हमारे एक नाथ साहब उनका एक शेर है, ये भी बड़े अच्छे शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि जवाब देना था उनको, जवाब देना था उनको, सवाल काटने लगे। जवाब देना था उनको, सवाल काटने लगे, जरा से दांत क्या निकले कि गाल काटने लगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जनाब जितेश राज नक्श के लिए, वो आए और कवि पाठ करें। आदरणीय नक्श, जोरदार तालियां। कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। और अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है। अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है। बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है। अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है। बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है। कि अपने हिस्से के गम हंसकर सहलूंगा, कि अपने हिस्से के गम हंसकर सहलूंगा, तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं। बाबा कि अपने हिस्से के गम हंसकर सहलूंगा, तेरे एहसानात मुझे मंजूर नहीं। और दौलत हो शोहरत हो या जन्नत ही हो, कि दौलत हो शोहरत हो या जन्नत ही हो, गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं। बहुत हो बहुत हो। दौलत हो शोहरत हो या जन्नत ही हो, गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं। गर है ये खैरात मुझे मंजूर नहीं। चार मित्र और यूं देख लें कि कश्मकश के दौर से मौला उबार दे। वाह, मौला उबार दे। कि इस कश्मकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार। वाह वाह। कि इस कश्मकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे। और खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे। बहुत हो बाबा। कि खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे, दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। बाबा बाबा। खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे, दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। एक शायर या कवि किसी पार्टी से या किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता, हमेशा मेरे ख्याल से विपक्ष में ही रहता है। वहाँ से देखें कि जुबां जुल्मो सितम की जब कभी दरबार बोलेंगे, कि जुबां जुल्मो सितम की जब कभी दरबार बोलेंगे, तो दरबारी भले खामोश हों, वह फनकार बोलेंगे। बहुत हो बहुत हो बहुत हो। जुबां जुल्मो सितम की जब कभी दरबार बोलेंगे, तो दरबारी भले खामोश हों, फनकार बोलेंगे। और तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ ही अपनी, तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ ही अपनी, कहां तुम सुन सकोगे सच को जब खुददार बोले। वाह 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 वाह। कि तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ ही अपनी, कहां तुम सुन सकोगे सच को जब खुददार बोलेंगे। एक गजल के कुछ शेर देख लें कि बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, कि बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, तेरी कसमें तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। कि बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, तेरी कसमें तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। और शराफत शेर देखें कि मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, कि मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहां फूलों से टकराए तो पत्थर टूट जाते हैं। कि मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहां फूलों से टकराए तो पत्थर टूट जाते हैं। और बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, कि बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। कि बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। और कब
हमारा क्या तुम्हारा क्या, सिकंदर टूट जाते हैं और बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, कि बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, कि बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। चार मिसरे पवन जी देखे, स्वागत है भाई, पढ़े। ये मैं अपने हर कवि सम्मेलन में इन्हें पढ़ता हूँ। ये जब भी हम कहीं कोई आवेदन पत्र भरते हैं तो वहाँ पर हमें अपना जाति धर्म और वर्ग ये भरना होता है, उसके विरोध में कह लें या हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ कह लें। देखें कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूं अनजान लिख देता, और यही मजहब यही जाति यही पहचान लिख देता, और मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में आवेदन पत्र का खाना जाति धर्म वर्ग, कि मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में बस हिंदुस्तान 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 लिख देता, बस हिंदुस्तान 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 लिख देता। धन